हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में वैसे स्टूडेंट जो खासकर अलीगढ़ मुस्लिम सिटी या फिर जामिया इस्लाम में 2024 में एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बेसिकली आपके जो जीके यानी जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस और साथ ही करंट अफेयर का जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ पे आप कई सारे सेक्शन में देखेंगे, कुछ कोर्स में तो ऐसा है 60 मार्क्स का पूछा जाता है, कुछ में 40 मार्क्स का पूछा जाता है। तो ओवरऑल इस वीडियो लेक्चर में हम इसी को ही टच करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा एरिया को कवर अप करेंगे, ताकि आपका जो एंट्रेंस 2024 में देने वाले हैं आपका आसान हो, एंट्रेंस निकलना आसान हो। ये क्वेश्चन टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड है, जो आजकल एमयू जामिया जिस लेवल से जिस स्टैंडर्ड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उस हिसाब से तैयार किया जा रहा है, ताकि आपको हेल्प मिले। यानी बेसिकली जो स्टूडेंट फोकस सब्सक्राइबर हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिले, ताकि वो एंट्रेंस क्वालिफाई कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हालांकि ये वीडियो लेक्चर जो है आपके स्कूल स्टूडेंट या यूनिवर्सिटी में यूजी कोर्स के अंदर जितने भी हैं, यानी बीए के अंदर और मास्टर्स के अंदर जो देने वाले हैं, उन सभी को ये वीडियो हेल्प करेगा, क्योंकि क्वेश्चन पेपर उस हिसाब से रेडी किया गया है। चलिए बस स्टार्ट करते हैं। हाँ, फोकस अभी वैसे तो फोकस एरिया जो है वो लाइक बी ऑनर के अंदर जितने कोर्स है एमयू जाम में वो ज़्यादा है। इवन मास्टर्स में भी आजकल देखा जा रहा है कि इस टाइप के सवाल पूछे जा रहे हैं, जहाँ पे स्टैटिक पार्ट होता है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, बिहू नास इज अ डांस फॉर्म प्रीवेलेंटली प्रैक्टिस इन विच स्टेट्स, या फिर इंडियन स्टेट्स मेंशन कर सकते हैं। देखिए, नास में भी आप कन्फ्यूज हो रहेंगे, बड़ा सिंपल सी बात है, बिहू डांस किस स्टेट में मनाया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर जो इसका होगा, अगर आपको मालूम है तो बताइए, चार ऑप्शन है, करेक्ट आंसर इसका आसाम होंगे। आसाम से एक तो आपका डांस पूछ लिया जाता है, और आसाम से ही जो है एक आपका नेशनल पार्क पूछा जाता है। तो यहाँ से अगर बात करें, मतलब इस वीडियो लेक्चर से, तो दो पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब अगर आप एमयू जामिया की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये डांस से रिलेटेड एक सवाल पूछा जाता है, और दूसरा आपका नेशनल पार्क या बर्ड सेंचुरी से पूछा जाता है। तो दो टॉपिक आज का है, दो टॉपिक से रिलेटेड आप अपना नोट्स बना लीजिएगा और उसको रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि वैसाख पूर्णिमा इज एसोसिएटेड विद विच रिलीजन, यानी वैसाख पूर्णिमा जो है किस रिलीजन से एसोसिएटेड है। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका बुद्धिज्म होगा। अब फिर से यहाँ पे एक पॉइंट मिला है, आप बुद्धिज्म से रिलेटेड जो है ज़रूर क्वेश्चन पेपर देख लेंगे, यानी कि बुद्धिज्म से रिलेटेड थ्योरी देख लीजिएगा, एमसीक्यू देख लीजिएगा, क्योंकि बुद्धिज्म से रिलेटेड एक सवाल पूछने के चांसेस पूरा रहते हैं। जैसे कि फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ था, सेकंड बुद्धिस्ट काउंसिल कहाँ हुआ, बुद्धिज्म का फाउंडर कह लीजिए, या इलाइटमेंट जोन या इलाइटमेंट सिटी किसको कहा जाता है। आप एक यहाँ पे सवाल करिएगा कि इलाइटमेंट सिटी किस स्टेट को जानते हैं, सॉरी किस स्टेट में इलाइटमेंट सिटी है, या किस शहर को इलाइटमेंट सिटी के नाम से जानते हैं, इसका आप आंसर कीजिएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखिए, कह रहे डांसिंग गर्ल स्कल्पचर इज फेमस आर्ट पीस फाउंड इन विच प्लेस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका मोहनजोदड़ो होगा। अब यहाँ पे मैं फिर से ऐड करना चाहूँगा, आप हरप्पा सिविलाइजेशन से ज़रूर थोड़ा देख लीजिएगा बेसिक चीज़ें। जैसे मैं तो एक सजेस्ट करूँगा कि आपके पास लूसेंट या अरिहंत का जो बुक है, आई थिंक मनोहर पांडे फाउंडर है, मतलब राइटर उसके हैं मनोहर पांडे का, आई थिंक लूसेंट या अरिहंत का दो में से कोई उसको, उस बुक को जितना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रिवाइज कर लेंगे तो उससे आपके काफ़ी हेल्प मिलेगा जामिया एंट्रेंस में, एमयू एंट्रेंस में। तो इसका यानी थर्ड का जो करेक्ट आंसर वो आपका मोहनजोदड़ो होगा। बाकी ये है कि आप हरप्पा सिविलाइजेशन ज़रूर अच्छे से देख लेंगे, हरप्पा सिविलाइजेशन के लिए या सरस्वती के लिए उसको आप देख लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन जो है पूछ रहे हैं, निशा दहिया हु वाज सीन इन द न्यूज़ प्लेस विच स्पोर्ट्स। निशा दहिया करके एक हैं, वो अभी रिसेंट न्यूज़ में रहे हैं, वो किस से एसोसिएटेड हैं। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका रेसलिंग से। अब रिसेंट में हालांकि सवाल पूछे जा सकते हैं रेसलिंग से, एक तो ये हो गया। बाकी मैं इसमें ये ऐड करना चाहूँगा कि ये अभी जो है कुछ दिन पहले एशियन रेसलिंग चैम्पियन हो, चैम्पियन मतलब एशियन रेसलिंग चैम्पियन गेम हुआ था, उसमें जीत चुकी हैं। बाकी ये है कि आपसे एक स्पोर्ट्स का क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है, तो स्पोर्ट्स से रिलेटेड ज़रूर रेडी कर लीजिएगा। देखिए आप जो है जिसमें भी आप फिर कहेंगे कि कहाँ से करें, तो फ़िलहाल तो एक यूट्यूब पे एसएससी लेवल का जितने भी लाइक लेक्चर मिलता है आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं एमसीक्यू का एसएससी लेवल का, क्योंकि जामिया का क्वेश्चन पेपर उस टाइप का ही रहता है। तो स्पोर्ट्स रिलेटेड आप सिंपली गूगल पर सर्च करिएगा स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर या स्पोर्ट्स रिलेटेड वीडियोज़, उसका वीडियो देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बाकी ये है कि अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहे हैं विच इज़ दी ओनली क्रिकेट टीम टू विन NICC टाइटल इन ऑल थ्री फॉर्मेट्स, यानी इनमें से कौन सा ऐसा टीम है जो ICC में तीनों फॉर्मेट में जीत चुके हैं, विनर हैं। चार ऑप्शन हैं, जैसे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज़। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑस्ट्रेलिया होगा,
यानी कि बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट। तो आपके स्पोर्ट्स से भी, यानी कि स्पोर्ट्स में हो सकता है जैसे रेसलिंग या क्रिकेट, इसमें से किस से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पैब्लो पिकासो वाज ए फेमस पेंटर फ्रॉम विच कंट्री। ये काफ़ी मतलब फेमस टाइप का सवाल है जो कई बार आपसे पूछ लिया जाता है। तो इसके जो करेक्ट आंसर होंगे ऑप्शन सी का, ये इसका करेक्ट आंसर सी होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर द स्कूल एजुकेशन प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप। एज ग्रुप पूछा जा रहा है कि जो अभी ड्राफ्ट नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो बन रहा है स्कूल एजुकेशन के, उसके एज लिमिट क्या रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है होगा वो 3 से 18 ईयर्स के लिए। साथ ही एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कि अभी न्यू जो एजुकेशन पॉलिसी आया है इसमें इन्होंने स्ट्रक्चर क्या रखा है, यानी उसका सिस्टम किस टाइप से रखा है। जैसे एक तो या तो इस टाइप से रहेगा, या फिर दूसरा ऑप्शन रहेगा 5+2+2+4। तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा वो आपको बताना होगा। या अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो स्ट्रक्चर रखा गया, सिस्टम रखा गया एजुकेशन का सिस्टम, उसमें क्या कौन सा रखा गया ये, या फिर इन दोनों से कौन सा होगा वो आपको बताना होगा। तो आप इसका कमेंट कीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है, विच स्टेट और यूटी लॉन्च दिशा मोबाइल ऐप एम एस सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वीमेन। 8 का जो करेक्ट मतलब ये है कि दिशा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है किसी स्टेट के द्वारा, वो जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी और सेफ्टी फॉर वीमेन के लिए। तो 8 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका आंध्र प्रदेश होगा। और इसमें रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन देखा गया है, लगभग 1 करोड़ समथिंग जो है रजिस्ट्रेशन सिक्योरिटी रीजन के वजह से देखा गया, इशू जो लोगों के साथ फेस किए गए वो वहाँ पे मेंशन किया गया है। खैर, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2024। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका वर्ल्ड बैंक होगा। बाकी यहाँ पे मैं ये बात जरूर कहना चाहूँगा, एक पॉइंट यहाँ पे फिर से कंसिडर करने वाली बात है कि आप जो है यूनाइटेड नेशन या यूएन के जितने बॉडीज़ हैं, यूएन बॉडीज एंड इट्स कैपिटल कह लीजिए, वो ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उससे एक सवाल पूछ ले जाते हैं। तो यूएन बॉडीज से रिलेटेड आप जैसे यूनाइटेड नेशन हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड बैंक हो गया, इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो गया, इन सब से रिलेटेड जरूर देख लीजिएगा। बाकी ये कि आगे तो MCQ कराएंगे, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में ना आपको ये भी बता रहा हूँ कि ये एटलीस्ट इतने सारे पॉइंट आपके क्लियर होना चाहिए ताकि आप एंट्रेंस में एटलीस्ट मिनिमम से मिनिमम आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। वैसे तो ये है कि जैसे मान ली अभी एक हम वीडियो बनाएंगे कि कोई स्टूडेंट अगर पॉलिटिकल साइंस के लिए देना चाह रहा है तो वो 60+ कैसे स्कोर करें, BBA वाले जो है 55+ कैसे स्कोर करें, वो भी हम अभी वीडियो बना के अपलोड करेंगे। चलिए अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं, हु इज द ऑथर ऑफ पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। 10 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा, दादाभाई नेहरू जी। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बिल्कुल वायरल टाइप का है और आपसे पूछी जा सकते हैं, तो आप उसको याद रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे, हु रोट द बुक ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस, यानी कि इनमें से कौन है जिन्होंने जो है ऑरिजिन ऑफ स्पेसिस के नाम से बुक लिखे हैं। 11 का करेक्ट आंसर होगा चार्ल्स डिकेन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, हु इज द ऑथर ऑफ रिसेंटली रिलीज द बुक टाइटल्ड वाई भारत मैटर्स। वाई भारत मैटर्स नाम का बुक अभी लॉन्च किया गया है, इनमें से किन के द्वारा। 4 ऑप्शन है, करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन सी, जयशंकर साहब। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि हु इज द ऑथर ऑफ द न्यू वर्जन ऑफ एग्जाम वॉरियर बुक। एग्जाम वॉरियर जो बुक है उसका ऑथर कौन है, आप मे बी जानती होंगे बट कई बार कॉमन सवाल भी पूछे जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग लॉन्गिट्यूड डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST। इंडिया में इनमें से कौन सा लॉन्गिट्यूडनल है लाइक सिंबल है जो डिसाइड करता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को। करेक्ट आंसर जो होगा ऑप्शन सी, 82.5 डिग्री ईस्ट। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। मे बी देखिए ये तो मैं आपसे पूछ लिया, लेकिन मे बी आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से क्रॉस हुआ, एक सवाल वो पहला। दूसरा ये है कि कौन सा ऐसा जिसे इंडिया के हिसाब से जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम में इंडिया का किस पॉइंट को कंसिडर किया गया है, मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है इंडिया में किस शहर को कंसिडर किया गया है, तो इसका भी आंसर आप करेंगे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। यानी कि सतीश धवन के बारे में आप जानते ही हैं जो कि इसरो के चीफ। अब यहाँ पर उनसे रिलेटेड एक सवाल पूछ लिया गया है कि सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग आइलैंड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा श्री हरिकोटा, जो कि आंध्र प्रदेश में है। ये इंपॉर्टेंट टाइप का सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
अगला क्वेश्चन कह रहा है रेड सॉइल्स आर डिफिशियंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग, मतलब रेड सॉइल में इनमें से क्या क्या पाया जाता है। तो हालांकि इसमें जो नाइट्रोजन ही पाए जाते हैं, पोटास भी, ह्यूमस भी, तो यानी कि इसमें ऑल ऑफ द एबव यानी डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक, पहला। दूसरा ये है कि इसी के अंदर जो है आपके लाइक कॉटन, अगर कॉटन हो गया, वीट हो गया, मिलेट हो गया, इन सभी के लिए काफ़ी हाई प्रोडक्टिविटी में उपजाए जाते हैं रेड सॉइल में। मतलब मे भी आपसे पूछा जाता है कि कॉटन के लिए कौन सा सॉइल ज़्यादा यूजफुल है, ज़्यादा बेहतर है, बेस्ट है, तो रेड सॉइल है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। 17 का करेक्ट आंसर जो होगा काजीरंगा, इसका जो करेक्ट आंसर वो ऑप्शन बी होगा, आसाम। जैसे मैंने पहले ही बोला था कि देखिए आसाम थोड़ा पॉपुलर हो जाता है, तो आसाम को लेकर जरूर आप सवाल रेडी रखिएगा, एंट्रेंस में आपसे पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब थोड़ा देखिए कहीं ना कहीं नेशनल पार्क से आया था, वाइल्ड लाइफ से आया, तो मैंने एक दो सवाल और ऐड कर दिए। तो यहाँ पे मैं फिर से कह रहा हूँ कि आपसे एक सवाल क्या वाइल्ड लाइफ या फिर नेशनल पार्क से एक जरूर पूछ लिया, तो इस बात को देख लीजिएगा आप अलग अलग किसी भी कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हो। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं कान्हा नेशनल पार्क इज फेमस फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। एक और क्वेश्चन आपसे ही मैं पूछ लेता हूँ कि बताइए वन हॉर्न राइनोसेरस किस नेशनल पार्क में या कहाँ फेमस है, मतलब किस नेशनल पार्क या देश के अंदर कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो वन हॉर्न राइनोसेरस के लिए मतलब फेमस है, पहला। दूसरा सवाल अगेन, वो कौन सा ऐसा भारत में नेशनल पार्क कह लिए या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कह लिए फेमस है जो एलिफेंट के लिए फेमस है। तो ये दो सवाल आपसे मैं पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप कमेंट कीजिएगा जिसको भी मालूम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, यानी कि इंडिया में इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका मध्य प्रदेश होगा, गलती से ओडिशा नहीं मारे गए, झारखंड नहीं मार दीजिएगा अगर बाई द ऑप्शन में रहा तो। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच इंडियन स्टेट इज द नंदा देवी पीक लोकेटेड, यानी कि इनमें से कौन सा इंडियन स्टेट है जहाँ पे नंदा देवी पीक जो है लोकेटेड है। करेक्ट आंसर उत्तराखंड है। बाकी उत्तराखंड से रिलेटेड आप जरूर इम्पॉर्टेंट जो रिवर है वो देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट रिवर देख लिए, वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं उत्तराखंड से। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं एन इकोनॉमी इन विच देयर इज बोथ प्राइवेट सेक्टर एंड द गवर्नमेंट इज नॉन एज, मतलब वैसा इकोनॉमी जिसमें प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट दोनों का इन्वॉल्वमेंट होता है उसको किस टाइप की इकोनॉमी कहेंगे, लाइक मिक्स इकोनॉमी, हाइब्रिड, मर्ज, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर इसको मिक्स होगा, यानी ए वुड बी द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच इंडियन स्टेट इज द फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, मैंने बोला था ना कि आपका फेस्टिवल से रिलेटेड या डांस से रिलेटेड आपके सवाल पूछे जाते हैं, तो वो अभी आप देख लीजिएगा। देखिए ऐसे यहाँ पर तो एक दो सवाल पूछ लिए ना, बट इससे रिलेटेड थोड़ा और एसोसिएटेड पूछ लीजिएगा, एडिशनल देख लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे फ्लेमिंगो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे आंध्र प्रदेश होगा, डी वुड बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि इन विच इंडियन स्टेट इन द ओनम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। अब देखिए कहीं कहीं फेस्टिवल से चल रहा था और जो कॉमन है और फेमस है उसको मैंने यहाँ पे कंसिडर कर लिया है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यानी कि ओनम फेस्टिवल का 23 का करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका केरला। केरला में जो है ओनम फेस्टिवल मनाया जाता है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आंध्र प्रदेश सॉरी इन विच इंडियन स्टेट इज़ द पोंगल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड, यानी कि इनमें से कौन सा है स्टेट है इंडिया में जहाँ पे पोंगल फेस्टिवल मनाया जाता है। 24 का करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका तमिलनाडु होगा। हालांकि मैं बता दूं कि फेस्टिवल से रिलेटेड कई बार ऐसा देखा है कि कई बार केरला या फिर आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, इनमें से कोई में से एक सवाल पूछ लिया जाता है, तो आप थोड़ा देख लीजिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है थोड़ा। कह रहा है हु इज द ऑथर ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस या एंड द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग, यानी दो बुक है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस और दूसरा गॉड ऑफ द स्मॉल थिंग, ये किनके द्वारा लिखा गया, इनके ऑथर कौन है। करेक्ट आंसर जो होगा वो आपका ऑप्शन होगा अरुंधति रॉय। तो ये कुछ बेसिक सा स्टैटिक ढंग का था, सेलेक्टिव था, जो मैंने आपको इसमें क्लियर किया। बाकी वीडियो एंड तक देखिए और इससे रिलेटेड कोई भी डाउट्स क्वेरी होता है कमेंट कीजिए। बाकी बहुत जल्द जो है हिस्ट्री पॉलिटिकल साइंस का कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर जो है अपलोड होगा, जिसको देखिएगा वो टोटली एंट्रेंस ओरिएंटेड होगा।
और इसके अलावा किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिएगा। अभी फ़िलहाल अपनी तैयारी जारी रखिए। हाँ, अगर रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं भी रेडी होता है, अपलोड हो पाता है, तो आपको गाइडेंस ज़रूर मिलता रहेगा है टाइम टू टाइम। जैसे अभी पॉलिटिकल बीए प्रोग्राम कोर्स स्पेसिफिक वीडियो अपलोड किया जाएगा थोड़ी देर में, तो देखते रहिएगा। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हाँ, मैं ये ज़रूर चेक करना चाहूँगा कि आपका रिस्पॉन्स कैसा है, तभी मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा, क्योंकि ये एमसीक्यू रेडी करने में ऑलमोस्ट 1 से 2 आवर लग जाता है, क्योंकि पहले एनालाइज़ करना पड़ता है कि जामे पूछ कैसा रहा है, वो देखना पड़ता है, उस हिसाब से पेपर रेडी किया जाता है। तो आप यूँ समझ लीजिए कि आपके रिस्पॉन्स ही मैटर करेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।